हेलो गाइस, इसमें क्विक चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड बनाने के लिए दो अंडे लिए, उसमें ही चिकन को फेंट लेना है। उसके बाद वॉक में डालना है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद ये मिक्सचर को इसमें ऐड कर लें। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से इसको पकाएं। अब इस स्टेज पे आप कहेंगे अंडे तो पक जाएगा, चिकन कच्चा रह जाएगा, तो बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अंडा भी पकेगा, चिकन भी पकेगा, क्योंकि जो चिकन का ब्रेस्ट पार्ट है उसका इस्तेमाल किया और जो पीसेस हैं एकदम स्मॉल चंक्स हमने कट किए हुए, तो ये आसानी से पक जाएगा। अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं होता है तो आप एक बार घर पे बनाइएगा इसी तरह का फॉर्मूला यूज़ करके, अगर कच्चा रहे तो कहना। उसके बाद एक पोर्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे राइस का इस्तेमाल किया है, लेफ्ट ओवर राइस इस्तेमाल किया है। बासमती राइस टूटता नहीं है, लेफ्ट ओवर राइस का ये ज़रा प्लस पॉइंट रहता है दोस्तों। आप जो यहाँ पे सिंपली जो चाइनीज में गोल्डन सिल्वर राइस इस्तेमाल किया जाता है उसे भी करें। साथ ही साथ मैं सीजन कर दिया सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, एरोमेटिक पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहिए तो सिंपली थोड़ा सा डैश ऑफ सोया सॉस, क्रश ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। साथ ही साथ आप चाहिए तो वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल इस्तेमाल में जैसे कैरेट्स, बीन्स, कैबेज, ऑफकोर्स, ये सब अपनी पसंद के हिसाब से वेजिटेबल डाल के भी इस फ्राइड राइस को एंजॉय कर सकते हैं। मैं डालूंगा सिंपली हरा प्याज बारीक कटा हुआ, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन, एक क्विक टॉस दूंगा, झटपट से अपना चिकन फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सेजवान फ्राइड राइस, ट्रिपल सेजवान सब नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। वेज फ्राइड राइस ऑल्सो, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, वहाँ जाके आप चेकआउट जरूर कीजिए। फिलहाल आपको कैसा लगा दोस्तों एक झटपट सा बनना चिकन फ्राइड राइस, जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।